इंदौर में आज एक खबर ने जैन समुदाय के लोगों को गमजदा कर दिया है। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में जैन मुनि आचार्य श्री 108 विमत सागर जी महाराज की मौत हो गई है। प्रारंभिक तौर पर मामला गंभीर होने के चलते पुलिस भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि मौत की वजह क्या है। वहीं जैन मुनि के अचानक दुनिया को छोड़कर चले जाने का यह मामला किसी बड़े हादसे से उनके अनुयायियों के लिए कम नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर में दिगंबर जैन समाज के आचार्य की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। वहीं आशंका जताई जा रही कि मौत की वजह सुसाइड हो सकती है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि आचार्य श्री 108 विमत सागर जी नंदानगर स्थित मंदिर में फांसी पर झूलते हुए पाए गए हैं। वहीं जानकारी यह भी सामने आई है कि चतुर्मास के सिलसिले में आचार्य इंदौर आए हुए थे। इस संगीन मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आज शाम को हमें सूचना प्राप्त हुई कि नंदा नगर गली नंबर 3 में जो जैन मंदिर है वहाँ पर मुनि श्री जो है उन्होंने उनका स्वर्गवास हो गया है। हमें जैसे ही सूचना मिली तो हम मौके पर पहुंचे तो हमें पता चला कि जैन मुनिश्री का अभी प्राइमर फेसी जो हमको जो तथ्य मिले उसमें समझ में आया कि अंदर से दरवाज़ा लॉक था। उनके अनुयायी हैं, उनने उनका शव देखा जो कि पंखे से लटका हुआ था उनके अंदर के कमरे में, जिसको नीचे उतार कर नीचे रखा गया। उसके बाद में हमने अभी फिलहाल तो विधिवत हमने FSL अधिकारी को और बाकी जांच हमने हमारी प्रारंभ कर दी। इसमें FSL अधिकारी भी आके अभी प्रथम अपनी जांच करके चले गए हैं। अभी हमने जो है मुनिश्री का जो शरीर है वो हमने अभी PM के लिए वहाँ पर पहुँचाया। अब बेसिक फॉर्मेलिटीज़ PM के बाद ही पता चलेगी और हमने मामला चूँकि जाँच में ले लिया है, एक अलग तरीके से हम इसमें जांच कंडक्ट करके प्रॉपर जो बोलते हैं विधिवत हम जो जांच करके जो भी इसमें कंक्लूजन आएगा हम निकाल के आपको बताएंगे। और समाज के लोग जो है वो बेसिकली देखिए ये कानूनन वो होता है कि एक प्रोसेस का पार्ट है। चूंकि कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध परिस्थिति में आने का समझ में आता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कानूनन जांच करना बहुत लाजमी हो जाता है। अभी फिलहाल ऐसी कोई भी चीज हमको फिलहाल तो नहीं मिली है, बाकी जो भी जांच में आएगा हम आपको अवगत करा देंगे। फिलहाल आचार्य जी के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस इस मामले में खुलकर अभी कुछ नहीं कह पा रही है, क्योंकि पूरे मामले में हालात और तथ्यों के आधार पर ही पुलिस जांच कर रही है।